AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ के SP अखिलेश नारायण सिंह के पाकिस्तान जाने के बयान पर कहा, लोगों ने तुम्हारी वर्दी देखकर इज्जत देते हुए छोड़ दिया। 1857 में मेरठ से ही हिंदू मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों को गोली मारी थी। SP साहब, आपकी गोलियां खत्म हो जाएंगी पर हम खत्म नहीं होंगे। अब दूसरी हिजरत नहीं होगी, हम कहीं नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 18 लोगों की मौत हुई और अफसोस तो यह है मुझे कि मेरठ में वहां के SP ने उनका वीडियो में इसकी साथ कहते हैं, एक मुस्लिम महल्ले में जाकर कहते हैं, तुम यहां का खाओगे और वहां का गाओगे, तुम क्यों नहीं पाकिस्तान चले जाते, मैं इस पूरी गली को जेल में डाल दूंगा, तुमको तुम्हारी नानी याद दिला दूंगा। मैं मेरठ के SP से कह रहा हूं, सुनो, वो जो मुसलमान तुम्हारी वर्दी को देखकर इज्जत कर रहा था, मगर मैं आज किशनगंज से मेरठ के SP को पैगाम दे रहा हूं, सुनो SP साहब, तुम सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, और मेरठ के SP का शायद मेरे अल्फाज सुनने के बाद तुम्हारे दिल में जो हिंदुस्तानियत छुपी है जाग जाएगी, सुनो मेरी इस बात को। SP साहब, मेरठ वो सरजमीन है जहां पर हिंदू और मुसलमानों में जो अंग्रेजों के सिपाही थे, जब उनको पता चला कि बंदूक की कारतूस पर गाय की चर्बी लगती है, सुअर की चर्बी लगती है और कारतूस चलाने से पहले उसको अपने मुंह से तोड़ना पड़ता है, तो अंग्रेज फौज के हिंदू और मुसलमान सिपाहियों ने मेरठ की तारीखी सरजमीन पर ऐलान बगावत बुलंद किया, अंग्रेजों की ईद से ईद बजा दी और वो सिपाही हिंदू और मुसलमान मिलकर दिल्ली को जाते हैं, बहादुर शाह जफर से कहते हैं, बहादुर शाह जफर, अब इनकलाब बर्पा हो चुका है, आप इसकी खिलाफत करिए। SP साहब, वो मेरठ की सरजमीन है और तुम वहां पर ठहर कर हमको कहते हो पाकिस्तान चले जाए। अरे SP साहब, अंग्रेजों को गोली हमने मारी थी, हिंदू मुसलमान ने मिलकर मेरठ में मारी, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारी वफादारियों पर शक करते हो, मुसलमान दिख गया तो पाकिस्तान तुमको याद आ गया, मुसलमान दिखा तो तुमको मेरठ की अजीम कुर्बानी क्यों याद नहीं है उसके साथ, मुसलमान दिखा तो तुमको आज मौलाना आजाद क्यों नहीं याद आए, मुसलमान दिखा तो तुमको जौहर बरादरान क्यों याद नहीं आए। अरे बताओ, वही तो उस सरजमीन के बेटे हैं, ये मेरठ की तारीख है और मेरठ के SP मुसलमानों के बस्ती में जाकर कहता है कि तुमको पाकिस्तान चले जाओ। अरे पाकिस्तान हम उस वक्त नहीं गए तो अब क्यों जाएंगे। सुनो SP साहब, तुम अगर हमको लाइन में खड़ा करके गोलियां मार भी दोगे, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हम इस मुल्क को नहीं छोड़ने वाले इंशाल्लाह। अब दोबारा हिजरत नहीं होगी, सुनो संगियों, अब दोबारा हिजरत नहीं होगी। अगर मैंने अपनी मां का दूध पिया है, अगर मैं अपने बाप का बेटा हूं तो तुमसे लड़ूंगा, हम हर चीज कुर्बान कर देंगे इस भारत के लिए। अरे हमारा तो ईमान ये है कि जो पैदा होता है वो अपनी रिस्क लिखाकर लाकर अपना मौत का वक्त लिखाकर लाता है।